हाय, मेरा नाम राजेंद्र चौहान है। मुझे बहुत लोग भंटी, ज़्यादा लोग मुझे भंटी के नाम जानते हैं, ठीक है। बेसिकली मैं एक डॉग ट्रेनर हूँ और शो हैंडलर हूँ और पैट ट्रेनर हूँ। डॉग ट्रेनिंग मेरा पैशन है। इट्स नॉट जस्ट अ बिजनेस, ये सिर्फ मेरा काम नहीं है, मतलब मैं इसके लिए पैदा हुआ हूँ डॉग ट्रेनिंग के लिए, मुझे ऐसा लगता है, इनबॉर्न ट्रेनर। और डॉग ट्रेनिंग मेरे हार्ट में, मेरी वेनस में, मेरी बॉडी में। और जब मैं ये करता हूँ ना, तो मुझे खुद सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। डॉग ट्रेनिंग मैं कैसे सीखी? शुरुआत में यहाँ पे कोई आज से 18 साल पहले कोई स्कोप नहीं था। मैं डॉग ट्रेनिंग की बुक्स पढ़ता था, ठीक है। एंड और उसके बाद फिर मैं बुक्स, पैट ट्रेनिंग की बुक्स खरीदता था, उन्हें पढ़ता था, देन डॉग ट्रेन करने की कोशिश करता था। मैंने काफ़ी रिसर्च करी, काफ़ी ऑनलाइन कोर्स किए, देन कुछ ट्रेनिंग की डीवीडीज मिली जो अच्छी थी, कुछ ख़राब थी। मैंने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए और फिर मैंने लिटरली एक क्लास 8 में मैंने अपना एक डॉग रेस्क्यू किया, जिसका नाम था एल्शी, ठीक है। देन उसने मुझे ट्रेनर बनाया उस डॉग ने। मैं हिट एंड ट्रायल से सीखता गया। मेरे हाथ में से बिस्कुट होते थे पाली जी के, और एक टिक टिक वहाँ से क्लिकर होता था, देन मैं उसको ट्रेन करता था। और उस डॉग ने मुझे सिखाया कि एक्चुअल में ट्रेनिंग कैसे करते हैं। देन मैं रुका नहीं, मैं सेटिस्फाइन हुआ। मुझे आज भी याद है 2007 में मैंने एक वीडियो देखा था IPO ट्रेनिंग का, और उसके बाद मैं उसका फ़ैन हो गया था। देन मुझे लगा कि मुझे ये कैसे भी करना है। देन उसके बाद मेरी ट्रेनिंग जैकअप हुई 2013 में, और जैकअप इतने साल तक मैं ट्रेनिंग करता था, तो मैं 2013 में स्पेशली मेरी ट्रेनिंग जैकअप हुई। एज अ रोल मॉडल मैं जिस ट्रेनर को फॉलो करता हूँ, उनका नाम है मिस्टर बैट बलून। मैं ट्रेनिंग बहुत बेस्ट हो गया। दैन उसके बाद मुझे एग्जैक्ट, मैं ट्रेनिंग कितना आसान नहीं होता, डॉग ट्रेनिंग करना आसान चीज़ नहीं है। आपको हमेशा लगता है कि डॉग ट्रेनिंग करना आसान है, डॉग ट्रेनिंग करना नॉलेज, आपके पैशन और आपके डेडिकेशन पे बहुत डिपेंड होता है। अगर आपको लगता है कि आप इस डॉग को ट्रेन कर सकते हो, तो आप 100% कर सकते हो। सो वी टॉकिंग अबाउट PSA। PSA क्या है? PSA एक प्रोटेक्शन प्लस ऑपरेंस स्पोर्ट है। इसमें दो पार्ट होते हैं ट्रेनिंग के, ऑपरेंस और प्रोटेक्शन। PSA का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन स्पोर्ट्स एसोसिएशन। PSA के लिए बेसिकली आपको दो चीज़ चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सुपर कंट्रोल और सुपर बाइट वर्क। अब सेम डॉग जिसने बाइट करना है, और सेम डॉग कंट्रोलेबल होना चाहिए, ब्रूटल प्लस सोशल। PSA के बेसिकली चार पार्ट है, PDC जो कि बिगनर क्लास है, PDC, फिर आता है PSA 1, फिर PSA 2, PSA 3। PDC का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन डॉग सर्टिफिकेशन, PDC, जिसके अंदर थोड़ा ऑबिडेंस होता है, जैसे कि फिगर 8, डाउन स्टे, गो बैक और हीलिंग, गन शॉट, ठीक है, रिकॉल। और PDC में तीन बाइट वर्क होते हैं। जो पहला होता है कार जैकिंग, ठीक, सेकंड होता है हिडन हैंडलर अटैक, थर्ड होता है क्रैश टेस्ट। तो कार जैकिंग में बेसिकली डॉग एक डिकॉय बैठा हुआ होता है, और डिकॉय उठता है और बोलता है कि मुझे कुछ पैसे दे दो या मुझे आगे छोड़ दो, और वो उसे हैंडलर से पैसे मांगता है और हैंडलर उसे मना कर देता है कि नहीं भाई, मेरे पैसे नहीं है। और डॉग कंटिन्यू बार करना चाहिए। देन जैसे ही डिकॉय उस पर हमला करता है, देन डॉग बाइट कर देना चाहिए। फिर जज आपको साइन करता है कि फ्रीज अप डिकॉय को, देन जज बोलता है कि आउट योर डॉग, देन आपका डॉग डिकॉय को आउट करना चाहिए। उसके बाद डिकॉय जैसे ही बोलेगा ठीक है, इट्स ओके, सॉरी, देन आपको कंटिन्यू बार करना चाहिए। इट्स अ फुल एक्सरसाइज ऑफ कार जैकिंग। क्रैश टेस्ट बेसिकली डॉग के क्रैश को, जैसे कि नाम से पता चलता है, क्रैश टेस्ट डॉग को, ये डॉग का ना क्रैश टेस्ट करने के लिए होता है कि डॉग कितना पावरफुल है, स्ट्रांग है, भाग तो ही जाएगा। तो तीन कोन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में आपका डॉग खड़ा होता है,
बीच में कौन साइन कौन होता है, इसमें ये अटैक करना होता है, और थर्ड कौन पे डिकॉय खड़ा होता है। डिकॉय उसको हैंडलर को प्रेशराइज करता है, देन अब्यूज वर्ड बोलता है, जो भी वो बोलना चाहे बोल सकता है, ठीक है, और उसको भगाने के लिए मतलब जाने के लिए बोलता है, ग्राउंड से ग्राउंड छोड़ने के लिए बोलता है। इधर हैंडलर उसको बोलता है कि तुम ग्राउंड छोड़ो, तो दोनों आपस में आर्ग्यू करते हैं। देन उसके बाद जज बोलता है, जैसे ही वो सेकंड कौन तक आता है जज, क्योंकि डिकॉय चलते हुए आता है, जस्ट लाइक रियल लाइफ सिनेरियो ना, कोई आपको बोला कि चलो पार्क में भागो या कहीं से भागो, तो वो चलता हुआ आता है। जैसे वो कौन तक पहुँचता है, जज साइन करता है कि सेंड योर डॉग, देन डॉग जाना चाहिए और बूम स्ट्रॉन्ग बाइट देना चाहिए। और उसके बाद डिकॉय दो हिट करता है स्टिक के साथ, क्लैटर स्टिक के साथ, वो हिट होता नहीं लेकिन वो जस्ट एक्टिंग होती है कि डॉग छोड़े ना, और लेकिन डॉग का काम, लेकिन डिकॉय का काम होता है कि जज को और डॉग को इतना प्रेशराइज करे डॉग छोड़ दे बाइट, प्रेशर करना, प्रेस ग्रिप कर देना, देन जो ग्रिप कर देना पुश कर देना उसको, उसको बंद कर लेना अंदर ताकि वो छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए, देन उसको हवा में उठा लेना, देन उसको ड्राइव करना। और जज फिर उसके बाद जज डिकॉय को बोलता है फ्रीज अप, एंड फ्रीज अप मींस रुक जाओ, हैंडलर बोलते हैं आउट,